शादी में आई चुड़ैल। पन्नपुर नाम के एक गांव में शादी चल रही होती है। वाह, मजा आ गया फूफा जी, शादी में क्या खाना बना है, बाराती तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा, पंडित के सबसे का तो कोई जवाब ही नहीं। दूसरी तरफ पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अरे दिव्याकर जी, ये आपकी कौन सी रिश्तेदार है? अरे मुझे क्या पता, क्यों भाग्यवान, कहीं ये तुम्हारे मायके से तो नहीं आई है? तुम लोगों की इस गांव में बारात लाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे रहते इस गांव में किसी की शादी नहीं हो सकती। अब तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ। अरे मर गया रे, मैंने सुना है ये जबान की पक्की है, भागो रे भागो, वरना ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, तुम सही कहते हो मोहन भाई, यहाँ से भाग लेने में ही हम सबकी भलाई है। देखते ही देखते शादी के मंडप में भगदड़ मच जाती है और चुड़ैल सब कुछ उजाड़ कर रख देती है। फिर एक दिन मोहन की शादी तय हो जाती है। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन इस चुड़ैल की दहशत के मारे तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे मोहन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम अपने साथ साथ हम सब गांव वालों को भी बलि का बकरा बनाना चाहते हो? उस चुड़ैल के रहते तुमने अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया? देखो गोपाल, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उस चुड़ैल के डर से मैं जिंदगी भर कुंवारा तो नहीं रह सकता। तभी वहाँ मोहन के होने वाले ससुर आ जाते हैं। अरे ससुर जी, आप देखो, अब तक मैं तुम्हारा ससुर बना नहीं हूँ और शायद बनूंगा भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो शादी का कोट भी सिलवा लिया है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे गांव में कराना चाहता हूँ। तुम्हारा गांव तो भूतिया गांव है। मैं तो क्या, अब तो कोई भी अपनी लड़की इस गांव वालों को नहीं देगा। इस तरह चुड़ैल के डर से उस गांव में किसी की भी शादी नहीं हो पाती। फिर एक दिन गांव के जमींदार अपनी बेटी की शादी करने का विचार करते हैं, लेकिन चुड़ैल के डर से उनकी भी हिम्मत जवाब दे देती है। अगर मेरी बेटी की शादी तय समय से नहीं हुई तो मेरी नाक कट जाएगी, मुझे कुछ करना ही होगा। एक सलाहकार के कहने पर जमींदार काशी से एक बहुत ही नामी तांत्रिक को अपने घर बुलवाते हैं, जो भूत चुड़ैल को पकड़ने में माहिर माना जाता था। जमींदार साहब, आप चिंता मत करिए, इस गांव की सीमा में प्रवेश करते ही मुझे उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल गया था। आप उसे जल्दी से जल्दी कैद कर लीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। जब वो चुड़ैल एक इंसान थी तब ठीक उसकी शादी करने वाले ने थी उसकी और उसके होने वाले पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका होने वाला पति आज भी भूत बनकर जंगल में भटकता है। इसलिए जब तक चुड़ैल की शादी नहीं हो जाएगी वो किसी और की भी शादी नहीं होने देगी। ये आप क्या कह रहे हैं, अगर वो भूत भी हमारे गांव में आ गया तब हमारा क्या होगा? यार मैं बीच में बहुत बोलता है, इसे बाहर निकालो। उसके बाद तांत्रिक बताते हैं कि अगर उस भूत के साथ चुड़ैल की शादी करा दी जाए तो वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाएगी। समीदार साहब, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस भूत को ढूंढने जंगल की ओर जाता हूँ। इस तरह जमींदार निश्चित होकर अपनी बेटी की शादी करवाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मैंने तुम गांव वालों को समझाया था ना कि इस गांव में कभी कोई शादी नहीं करेगा, लगता है तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। चुड़ैल जमींदार की बेटी को उठा लेती है। अब देखती हूँ बिना दुल्हन के तुम लोग शादी कैसे करोगे, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। छोड़ मुझे,
पिताजी मुझे बचाइए। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। तभी तांत्रिक उस भूत को लेकर वहाँ पहुँचता है। अरे वाह देवा, रुको, इन मासूमों को परेशान मत करो, मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। आप आ गए, चलिए अब हम मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कह रही हो? मंदिर में जाके दोबारा मरना है क्या? चलो आज से हम जंगल में रहेंगे। चुड़ैल चली गई, अब मेरी शादी हो जाएगी। इस तरह सभी गांव वाले खुशी से झूमने लगते हैं।